हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल फिट फाट होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मित्र सज्जन मियाँ जी, पंजाब पाकिस्तान से। तो आज मैं एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही मजे की, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, कंपेरिजन करने वाले हैं एक दो कंट्रीज़ का। और वो जो कंट्रीज़ हैं जी, एक हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, दूसरा जो है वो जो है तुर्की, जो कि मुसलमान ममालिक और बहुत ही खूबसूरत है टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या ही बात है तुर्की की। तो खैर, अभी इस पूरी वीडियो के अंदर उसका कंपैरिजन करेंगे, उसको चेक करेंगे कि भाई वहाँ पे तुर्की में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपस में इन दोनों का कंपैरिजन कैसा रहता है। इस वीडियो की कंप्लीट वीडियो के बारे में अपने ओपिनियन, अपनी इज़हार राय जो है हम वीडियो के एंड में करेंगे। और आप लोग भी अपना इज़हार करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कर सकते हैं और मेरे साथ लाजमी शेयर करिएगा। तो अभी हम टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो से चलते हैं, वीडियो को प्ले करते हैं। सो लेट्स प्ले द वीडियो। इंडिया में मोदी साहब है और तुर्की में इंडिया। As of 2015, the bilateral trade between India and Turkey stood at $6.26 billion. This is another episode of country comparison, Turkey versus India. Turkey versus India. National Day 29 October है तुर्की का, इंडिया का 15 अगस्त है। 14 अगस्त के बाद पाकिस्तान से एक दिन बाद इंडिया का होता है। ओके, एरिया की बात करें 0.78 बिलियन, लैंड और वाटर है 98%, 2% वो है, और इंडिया में 3.2 बिलियन। वो इंडिया बड़ा भाई रकबे के लिहाज से। पॉपुलेशन 85.6 मिलियन है तुर्की में और 1.39 बिलियन है जी इंडिया में। इंडिया में दूसरे नंबर पर रैंक करता है इंडोनेशिया के बाद। इफ आई एम नॉट ऑन द फर्स्ट पे इंडोनेशिया। अच्छा जी, एज स्ट्रक्चर में जी 67% ऑलमोस्ट इक्वली है। यूनाइटेड प्रेसिडेंटल है जी तुर्की में, गवर्नमेंट में फेडरल पार्लियामेंट्री है। तुर्की का कैपिटल है जी अंकारा, बहुत खूबसूरत है। और इंडिया का जी न्यू दिल्ली। ऑफिशियल लैंग्वेज तुर्की ही है वहाँ पे, और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और इंग्लिश भी काफ़ी लोग इंडिया में जानते हैं, नो डाउट। तुर्की के अंदर जी मुस्लिम है 90% और इंडिया के अंदर 79% हिंदू। पढ़े लिखों की बात करें तो डेफिनेटली तुर्की में 96% के साथ ज़्यादा है, इंडिया में 75% है। नेशनल एनिमल जो है जी ग्रे वुल्फ है तुर्की का और टाइगर है इंडिया का। हाँ जी, बेस्ट फूड वहाँ पे जी डोनट कबाब खाया जाता है, यानी कि जिसे हम शवारमा भी बोलते हैं। और इंडिया के अंदर जी मसाला कुछ टाइप इस तरह का था। इंडिया के अंदर फेमस प्लेस जो ताजमहल है, और तुर्की के अंदर जी ये ब्लू मॉस्क टाइप है जो कि बहुत टूरिस्ट विजिट करते हैं। GDP जी इंडिया का ज़्यादा है, 3.0 ट्रिलियन। तुर्की में स्पोर्ट होने वाली ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री है वो घड़ी है, और इंडिया में ऑयल है। वाह, मैकेनिकली जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा ऑयल है वहाँ पे, और इंडिया में ऑयल है डेफिनेटली, वही गाड़ी और वो ऑयल वाला कंपैरिजन है। कोयला 71 मिलियन टन और इंडिया में 757 मिलियन टन साल का। मिलिट्री की बात कर लें जी, रैंक 11 नंबर पर तुर्की पर, इंडिया की 4th नंबर पे। बजट भी इंडिया का ज़्यादा ही है लैंड के हिसाब से, वजह से आर्मी भी ज़्यादा है उनकी। तो इसकी टैंक्स वगैरह जितना भी सारा कुछ लैंड पावर में भी इंडिया के पास ज़्यादा थोड़ी सी है।
एयर पावर्ड आवेगी। नेवर 12 सम्मील तुर्की के पास है और 18 इंडिया के पास है। तुर्की का जी कतर, अजरबैजान और पाकिस्तान ये दो ज़्यादा अच्छे हैं, और इंडिया का इसराइल, रशिया, यूएसए ये ज़्यादा अच्छे फ्रेंड हैं।98 एयरपोर्ट्स हैं तुर्की में, जबकि इंडिया में 346 एयरपोर्ट्स हैं, क्योंकि रकबे के लिहाज से भी इंडिया बड़ा है। रेलवे माय फेवरेट, इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि रकबे के लिहाज से वो बड़ा है, बेस्ट है। ऑयल एंड गैस की कंपनी दोनों बहुत ज़्यादा है और तुर्की का मार्जिन ज़्यादा है इसमें। करंसी जो तुर्की की तुर्किश लीरा है, इंडिया की इंडियन रुपी है। 51 मिलियन साल में तुर्की में टूरिस्ट आता हो जाता है, 17.9 मिलियन इंडिया में आता है। तुर्की में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। ओलंपिक मेडल की बात कर ले तो तुर्की के पास 104 हैं, इंडिया के पास 35 हैं। टॉप स्पोर्ट जी तुर्की के अंदर जो है वो फुटबॉल है और इंडिया के अंदर क्रिकेट है। नोबेल प्राइज विनर की बात कर ले तो 2 हैं तुर्की के पास और जबकि 12 हैं इंडिया के पास। इंटरनेट यूजर की बात करें तो 62 मिलियन तुर्की एंड 83 मिलियन इंडिया। टेम्परेचर की बात करें तो इंडिया में ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। फाइव पॉइंट 13% अच्छे बंदे तुर्की में खुश हैं और इंडिया में काम। ओके जी, ये थी यार वीडियो, हमने जो कंपैरिजन किया है तुर्की का और इंडिया का। देखिए बात ये है कि जो तुर्की जो है वहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट बहुत ही मज़े का, लोग दुनिया भर से वहाँ पे टूरिस्ट के लिए जाते हैं और वो बहुत वहाँ पे इंजॉय करते हैं। इंडिया में भी नो डाउट इंटरनेशनल यूरोपियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इस वक्त विज़िट कर रहा है, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऐसे मुल्क में जो है ना वो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस वक्त जा रहा है, लेकिन तुर्की वाली साइड पे ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। आपको पता ही है यूरोप जो है, जिसने यहाँ से यूरोप जाना है तो तुर्की से होता हुआ ही यूरोप जाता है। तो यूरोप तुर्की बहुत मज़े का था। कंपैरिजन कंप्लीट कर लें तो डेफिनेटली सी बात है रकबे के लिहाज से इंडिया भरा, तो इंडिया की काफ़ी चीज़ें उसमें ज़्यादा थी, तुर्की की कम थी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज दोनों की आलमोस्ट इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। तुर्की करंसी की बात करें तो लीरा थी, इधर जो है वो इंडियन रुपीस थी,
और ताजमहल है यहाँ पर, वहाँ पे जो है वो उनका फेमस प्लेस जो है वो दूसरी है। आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ या नहीं हुआ, आपको कुछ समझ आई नहीं आई, जो भी है अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त मित्र सज्जन मियाँ जी को इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना और अपने आस पास वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।